नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में राजधानी दिल्ली में हिंसा भड़क गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में फैली इस हिंसा ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि इसमें एक हेड कांस्टेबल सहित 9 लोगों की मौत हो गई है। मंगलवार सुबह फिर से मौजपुर और ब्रह्मपुरी इलाके में पत्थरबाजी शुरू हो गई। सुबह हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। हालात को नियंत्रित करने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। कोई भयावह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीरों में दिख रहा है कि खून में लथपथ एक व्यक्ति को कैसे लाठियों से पीटा जा रहा है। मंगलवार सुबह को मौजपुर और ब्रह्मपुरी इलाके में पत्थरबाजी की घटना हुई थी। बल्कि उपद्रवियों ने 5 बाइक को आग के हवाले कर दिया था। दिल्ली में हिंसा का स्तर बढ़ता ही जा रहा है और मौत का आंकड़ा 9 को छू चुका है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.